गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेक 1 बिलियन एलएसजी इंडिया में, जिसमें आज हम 5 शेयर्स 300 सीरीज में अभी आज के टॉप 5 स्टॉक्स को देखेंगे और साथ में ये देखेंगे कि पिछले वीक का परफॉर्मेंस कैसा रहा, मतलब मेरी शीट में जो मैंने आपके सामने बनाई हुई है। तो तीन पार्ट में ये वीडियो रहेगा। पहले अपनी शीट को देखेंगे, पूरी समरी को, कि कितने कौन से स्टॉक मेरे अप गए हैं, कौन से डाउन गए हैं, कौन से सबसे ज्यादा निगेटिव है, कौन से सबसे ज्यादा पॉजिटिव है और कौन अभी 10% के पास पहुंचा, क्योंकि हमारा टारगेट है 10% पहुंचना 300 डेज के अंदर। तो पहला तो एक कंप्लीट हो चुके हैं, बट डेफिनेटली अभी 15 दिन हो गया जब तक अभी तक किसी भी शेयर ने मेरे 10% को अचीव नहीं किया है। कुछ पास्ट शेयर थे, कुछ अभी लिए हैं जो रिकॉग्निशन के हिसाब से मैं आपको दे रहा हूँ साथ में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 शेयर्स और उस टॉप 5 में से कोई एक भी शेयर आज उठाएंगे और उसके बारे में हम लोग एक जस्ट सिंपल सा एनालिसिस करेंगे। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेक 1 बिलियन एलएसजी इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको हमेशा शेयर मार्केट से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड, ऑनलाइन क्या प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन और क्या क्या ऑप्शंस हैं जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। डेफिनेटली ये इतना आसान भी नहीं होता है, बट आपकी जॉब, आपकी बिजनेस के साथ में एक अदर सोर्स ऑफ इनकम रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप सिंगल सोर्स यानी सिंगल चीजों पर टिके रहना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि कोई भी इवन एक चेयर जिस पर आप बैठे होंगे अभी, इवन अगर आप खड़े होंगे तो दो आपको पैर चाहिए, एक पैर पर खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए किसी भी एक चीज पर टिके रहना बहुत, मतलब हर चीज में अप्लीकेबल नहीं होता, बट ठीक है, आपको जॉब और अर्निंग सोर्स में आपको हमेशा 3-4 ऑप्शन मिनिमम, जहां तक सजेशन किया गया सबके द्वारा मिनिमम 7 ऑप्शन होने चाहिए जहां से आपको इनकम आ रहा हो, वरना आपकी जिंदगी बहुत ही डेंजर। चलिए आगे लेक्चर नहीं देते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के इसमें कि कौन सा कहां पे हो रहा है। तो हम जाते हैं अपनी शीट पे और आप अगर देखेंगे आज मेरी शीट का, तो जो इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि मैंने 5 यहाँ पे डाले थे तो यहाँ पे 3 ही क्यों, क्योंकि इसमें से एक कहीं ऊपर था, तो मैं हमेशा ओल्ड वाले को पकड़ रहा हूँ और उसको एवरेज आउट कर रहा हूँ, ठीक है। यानी नीचे जो आया भी होगा उसको वापस कर दिया, जैसे हिंडाल्को, कोल इंडिया, यहाँ पे 2 नहीं थे, यहाँ पे 5 थे, राइट, बाकी 3 थे। तो उन 3 को मैंने कहीं जो ऊपर, वो 3 पहले भी उसमें से एक एक्चुअली मुझे याद है जो टाइटन था, तो टाइटन को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये ऐड हो चुका है। तो आपको सेम वे में जाना है, क्योंकि आपके सेम अगर रिपीट हो रहे हैं तो आप उसको अलग अलग यहाँ पे मत रखो। देखिए हम लोग दूसरी शीट है जिसमें हम डाल देंगे आज क्या 5 खरीदा, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन सा खरीदा था, किस प्राइस में खरीदा था, लेकिन यहाँ पे आपको समरी बनानी है तो आपको यहाँ पे ये चीजें ऐड करते जानी है। आप देख सकते हो कि केवल MRPL एक था जिसने 1-2 दिन के अंदर ही अपना 10% अचीव किया था, बहुत ही छोटा अमाउंट लगाया था, ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट 10% का था तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितने परसेंट पर बिकता, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आज हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा लोवेस्ट और सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन सा जा रहा है एक्सेल शीट में। सी एक्सेल शीट में हमारे फॉर्मूले कभी कभी ऊपर नीचे भी थोड़े बहुत रहते हैं और उसके कारण थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है एवरेज आउट में। तो अभी देखते हैं सबसे नीचे कौन सा है। सबसे नीचे देखिए IDFC फर्स्ट है, हिंडाल्को है। अब आप बोलेंगे कि ये तो यार अभी आपने लिया तो 5 लिया था, 5 या 6 लिया था हिंडाल्को का 25, मेरे पास पुराने स्टॉक थे, मैं आपको बोला फिर भी मैं उनको कॉम्प्रोमाइज ऐसा नहीं करूंगा कि मैं उनको आपको ना दिखाऊं एवरेज आउट दिखा दूं। ऐसे कुछ स्टॉक होंगे जो पॉजिटिव भी हैं, राइट, लेकिन अगर वो आएंगे तभी यहाँ पे ऐड करूंगा, वरना नहीं करूंगा मैं, राइट। तो अभी ये मेरे पुराने स्टॉक आए थे हिंडाल्को, IDFC फर्स्ट भी मेरे पास पुराना था जिसके कारण वो माइनस था, और मैंने अभी लास्ट मतलब 5 जुलाई को आपको रिकमेंड किया था कि आप IDFC खरीद सकते हैं, और आज भी मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास कुछ भी पैसे नहीं, देखिए छोटे स्टॉक में ज्यादा फर्क नहीं है, 445 और 46 रुपए की स्टॉक है, आप चाहो तो इनको ले लो, एक अच्छी प्राइस में आपको मिल जाएंगे और आप इसको लेके आगे बढ़ सकते हो। 445 में नहीं है, सॉरी 347 में आज के टाइम में मिल रहा है, 445 मेरा एवरेज प्राइस आ रहा है। तो अगर आप आज भी लेते हो तो आप मुझसे कह रहा हूँ, मेरे जो मैंने बाई किया हुआ है उससे आप करीबन एटलीस्ट 30% हाई पे रहोगे, 30-20%। तो ये आपके ऊपर है, बाकी आपकी मर्जी, आपको लेना नहीं लेना है, क्योंकि रिस्क आपका, पैसा आपका है, रिस्क आपका होता है। तो अभी यहाँ पे देखिए 12% तो हमारा अचीव हो चुका है, 7% है, 6%, वाओ कुछ तो आ गए काफी क्लोज। तो हम इन 4 को देखते हैं जो 6% मतलब 50% करीब आ गए हैं। तो देखते हैं कौन से स्टॉक नहीं है जो अभी काफी पास आ रहे हैं, उसमें से ज्योति लैब है जो 15-16 दिन पहले लिया गया था, एशियन पेंट्स है 7.17 14 डेज पहले, इंडस्टार टावर 13 डेज, बैंक ऑफ बड़ौदा 6.92। तो देखते हैं कौन सा स्टॉक पहले अचीव करता है, और आप मेरा पूरा समरी देख सकते हैं कि अभी -4.9 में आ गया। अगर आपको स्टार्ट हो याद होगा तो ये जब शुरू हुआ था, जब मैंने तो मेरे जब सेकेंड डे से, फर्स्ट डे नहीं सेकेंड डे से
जैसे यहाँ पे 16 डे दिखा रहा है, तो 15th डे में ये हुआ था कि कुछ स्टॉक जो मैंने 5 रिकमेंड किए थे उसमें से कुछ पुराने वाले थे, तो वो जैसे मैंने अभी बताया ना आपको हिंडाल्को और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पुराने स्टॉक थे, उसके कारण वो 7.9 था। तो अब 7.9 को कवर करते हुए 4.9 पे आ चुके हैं, यानी 3% का इजाफा हुआ पिछले 16 दिन में हमारे पोर्टफोलियो पे, तो ये पॉजिटिव न्यूज है। और हम चलते हैं देख हैं कि कौन सा हम ले सकते हैं। ये देखिए मैं आपको बता रहा था ना, मैंने हिंडाल्को और आपको केवल एक दिख रहा था, कौन सा दिख रहा था, कोल इंडिया। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 5 दिख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आज के 5 शेयर कौन से हैं, ठीक है। पहला है मेरा HCL, जो आज मैं आपको रिकमेंड करूंगा और इसको आप ले सकते हो। सॉरी एक सेकेंड, एक्सेल शीट आपके लिए भी आसान हो जाएगा। HCL आप ले सकते हो, 13 जुलाई है। आप इसके मैंने 7 शेयर खरीदे, ये 52 के लॉस पे चल रहा है, 52 वीक के लोवेस्ट प्राइस पे चल रहा है, तो ये बेट है, ये सही शेयर है जो आप बाई कर सकते हो आज के टाइम पे, आप इसको उठा सकते हो। तो सेकेंड है मेरा शेयर रिलायंस। रिलायंस भी निगेटिव जा रहा है, आप अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो दो चीजें बार बार आ रही है, रिलायंस ONGC, इनको मैं रोज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, रोज मुझे लगता है कि हाँ इनका ये चीज अभी सुधर रहा है, ये नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, वो चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, वो आपको खुद R&D करनी पड़ेगी। बट मैंने इनको बाई कर लिया है, तो आज मैंने रिलायंस के 6 शेयर लिए हैं वापस। देखिए आपके पास पैसा हो तो आप ले लो, नहीं है तो आप एक या दो क्वांटिटी भी लेके आगे बढ़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेटर है ना, कुछ नहीं से तो कुछ तो बेटर है ना। तीसरा है TCS स्टॉक, TCS मैंने लास्ट वीक लिया था और आज एक स्टॉक ही लिया है, क्योंकि आज ये पॉजिटिव था तो मैंने एक स्टॉक लिया, नेगेटिव होता है तो मैं थोड़े ज्यादा स्टॉक ले लेता हूँ कि उनको मैं एवरेज आउट भी कर सकूँ। आपको पता है कि HCL आपको अभी कल हम देखेंगे कि HCL मेरे पुराने स्टॉक में था कि नहीं था, तो आज तो हम ये चलते हैं TCS। फोर्थ नंबर पे आता है टाटा स्टील, 13 जुलाई का हम 1 नंबर क्वांटिटी लेते हैं 908 में। पांचवा है मेरे पास ONGC है, 4 क्वांटिटी मैंने ली है ONGC, आज गिरा है तो आप ले सकते हो इसको। एवरेज आउट का ये मैं नहीं बोलूंगा कि एवरेज आउट कर रहा हूँ, बट ये ही रिकमेंडेशन आ पाई है हमारी टीम से और हमारे लोगों के। चलो इसके ये तो हमारे आज के स्टॉक हैं, तो आप इन 5 स्टॉक में से कोई भी स्टॉक आप बाई कर सकते हो या 5 ले लो, और ये मैंने ऑलरेडी ले लिया है उसके बेसिस पे ही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने बिना लिए आपको बोल दिया है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने 5 स्टॉक ये पूरे लिए हैं जिनका परफॉर्मेंस आज सुबह से अभी जब मतलब मैंने लिया था और अभी में इतना ही है, ये 7.5 के हैं। आप देख सकते हो 7.4611 क्वांटिटी है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी मैंने ऐड किए हैं, 4 हैं, लेकिन 5वां ONGC ऊपर था तो उसने नहीं लिया तो वहाँ हो गया, तो मेरे यहाँ पे ये स्टॉक है। तो आपको ये मैं दिखाता भी रहता हूँ कि मैंने कौन से लिए हैं पुराने, कौन से नहीं लिए हैं। तो आज चलते हैं किसको देखेंगे एनालिसिस। HCL मैंने रिकमेंड किया ना 52 वीक के हाई लोएस्ट पे है, तो आज चलते हैं फंडामेंटली हम HCL का ही देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फंडामेंटल चीजें देखा करिए। अगर आपका इसका CAGR दिए देखोगे तो 20% आपको क्या चाहिए, 1 ईयर का रिटर्न 5.27, जबकि उसके बावजूद ये 52 वीक के लोएस्ट में गया है। 52 वीक का हाई कितना था, 1377, और लो कितना है, 924, करेक्ट 924 है ना। और अभी की वैल्यू क्या चल रही है आज की, आप देखो और बताओ, करेक्ट। तो हम चलते हैं अंदर इसके एनालिसिस पे, एक सिंपल एनालिसिस पे। क्या बोला, इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रीन, ROI वर्सेस फी डिविडेंड एंट्री नो रेड, सो ऑल इज ग्रीन। सो ये बहुत सही स्टॉक है आज के टाइम पे लेने के लिए। हम चलो एक वीक का परफॉर्मेंस देखते हैं, एक वीक का परफॉर्मेंस 5% डाउन है, आज लेते हो तो आपको 5% का फायदा है। एक महीने का देखते हैं 6% डाउन है, लेकिन आप इसमें एक पैटर्न देखोगे, यहाँ ऊपर है फिर नीचे गया फिर ऊपर आया फिर नीचे गया फिर ऊपर आया फिर नीचे गया फिर ऊपर आया फिर आया, तो ऑन एवरेज अगर देखो तो 948 यहाँ पे 997 यानी 50 रुपए, फिर यहाँ से 994, फिर यहाँ पे सबसे नीचे कितना 961 40 रुपए, यहाँ पे भी 962 करीबन है, और यहाँ पे 1000 कितना हो गया 40 रुपए, घूम फिर के 968 101 कितना हुआ 70 30 रुपए, यानी 30 से 40 रुपए अभी आपको कितने डाउन पे मिल रहा है 927 80 रुपए के प्रॉफिट पे, यानी 1000 रुपए तो आप मान के चलो कि ये अभी फटाक से उठेगा और 1000 रुपए के करीब पड़ेगा, तो 80 रुपए पर शेयर आपको प्रॉफिट दे सकता है। बट 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे अक्टूबर में ये काफी ऊपर गया था,
फिर डाउन गया, फिर उसके बाद ऊपर गया और डाउन गया। अब 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस देख लो, तो वो SCL को आप बोल ही नहीं सकते हो। तो 5 साल पहले बेचारा भाई साहब ने 447 रुपए से शुरू किया था और ये 1000 हाईएस्ट 1000 पे पहुंचे थे, 1300 पे पहुंचे थे, ठीक है। और मैक्सिमम तो आप अपना देख लो, बाकी तो ये ग्रोथ ही है। यहाँ पे एकदम हाई बढ़ गया था, बात अलग है, वापस इसको एवरेज करेगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पैटर्न है ना, तो इसके पैटर्न से ये इसको हटा देता हूँ, ये सीधे यहाँ पे जाएगा, यानी ऐसे जाके यहाँ पे आएगा, तो घूम फिर के ये अभी यहाँ तक आएगा और इसको उठा के फिर वापस ये ऊपर बढ़ेगा। तो इसको आपको यहाँ तक लाना पड़ेगा। मैं इसमें मार्किंग नहीं कर सकता, मेरे पास ऐसा एडिटोरियल नहीं है कि मैं मार्किंग कर सकूँ, बट आप समझने की कोशिश करिए। अब हम देखते हैं SIP का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर आपने इसमें 100 रुपये डाले होते, कब, अगस्त 17 में, अगस्त यानी 31 अगस्त 17 में, तो आज के टाइम पे वो 100 रुपये पर मंथ वाले 6000 का 9000 बन चुका होता, यानी आपका अप्रोक्सीमेटली 40% का वैल्यू ज्यादा मिल चुका होता। फाइनेंशियल्स में हम फोरकास्ट में सबसे लास्ट में जाएंगे, हम पीर्स में देखेंगे। पीर्स में आप देख ली इनका कंपटीटर कौन है, SCL टेक्नोलॉजीज, टाटा कंसल्टेंसी, इंफोसिस, विप्रो, चारों ही बड़ी कंपनी और चारों के शेयर TCS तो आज ही मैंने लिया है। इंफोसिस पहले से मेरे पास है, विप्रो भी है, लेकिन अभी तक जब से ये सीरीज शुरू की है, प्रोजेक्ट वन तो मैं लास्ट ईयर 2020 में कर चुका था, तो प्रोजेक्ट ये वाली सीरीज शुरू की है, तब से अभी तक इंफोसिस और विप्रो नहीं आए हैं। बट आई एम श्योर कि जल्दी ही उनको भी मैं बाई करूंगा वापस। डिविडेंड आप देखेंगे तो सबसे अच्छा डिविडेंड 4.74 SCL ही देता है, उसके बाद सबसे अच्छा डिविडेंड इंफोसिस देता है और विप्रो। पी रेशियो और पीबी रेशियो क्या होते हैं आप बताइए। पी रेशियो अगर कम है तो अच्छा शेयर है बाई करने के लिए, कि पी रेशियो अगर ज्यादा है तो शेयर अच्छा है बाई करने के लिए, ये क्वेश्चन है, आप बता करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आप इसका देख सकते हैं कि घूम फिर के सब साथ ही रहते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इनके इंडस्ट्री में। इनका पैटर्न देखेंगे तो सेम जाता है अप्रोक्सीमेटली, ये लोग उतना ज्यादा आपस में, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि डिमांड एंड सप्लाई कैसी है सॉफ्टवेयर की, कोई ऑर्डर वो उठाते हैं, कोई ऑर्डर वो उठाते हैं, कोई ऑर्डर कोई और उठाता है, तो घूम फिर के इनका वैसे ही रहता है। होल्डिंग्स में हम जाते हैं तो होल्डिंग्स आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड पे जाते हैं, तो होल्डिंग्स में टोटल प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं, सेम है, थोड़ी सी बढ़ाई है उन्होंने, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। म्यूचुअल फंड में देखते हैं 9.66 म्यूचुअल फंड में भी बढ़ाई है 1% करीब, और डोमेस्टिक में देखते हैं तो 1% के करीब, मतलब 0.5% के करीब बढ़ा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन देखेंगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 2% घटा है, क्योंकि उनकी हालत खुद खराब है आज के टाइम पे। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन मोस्टली अमेरिकन कंपनीज होती हैं या म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वैसी कंपनीज होती हैं जो काफ़ी करती हैं पैसा। अब हम यहाँ पे हम जैसे लोगों का देखें तो हम जैसे लोगों ने भी काफ़ी सेम ही रखा है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, बट अब टाइम आ गया है कि हम इसको बाई करना शुरू करें। तो मेरा रिकमेंडेशन बाई है, जो ऑलरेडी मैं बाई कर चुका हूँ तो कोई रिकमेंडेशन की बात नहीं। यहाँ पे 59%, जिसमें से 41 एनालिस्ट, यानी सोचिए 41 लोग लगे हुए हैं SCL को समझने के लिए, उन्होंने यस बोला है 59%। अब उनका प्लस मेरा ले लो तो 42 हो गए, बट मैंने तो बाई कर लिया और आपको भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप बाई कर लो। तो बस यही था आज के टाइम पे, बाकी आप जो चाहो करो, बट अदर सोर्स ऑफ इनकम जरूर बनाओ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरी भी हेल्प हो जाएगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे बढ़ सकूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सबका दिन शुभ हो।